नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, आपको गांधी मैदान से सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं मानव श्रृंखला के आयोजन का। जी हां, अब से थोड़ी देर में पटना के गांधी मैदान में मानव श्रृंखला का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले क्या तैयारी है पटना के गांधी मैदान में, वो तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, ये मंच बनकर तैयार है। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति के पक्ष में, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए मानव श्रृंखला 2020 का आयोजन। तो देखिए, यहाँ पर मंच बनाया गया है जहाँ पर मुख्यमंत्री और तमाम गणमान्य अतिथिगण मौजूद होंगे, और गांधी मैदान में किस तरह से मानव श्रृंखला के आयोजन की तैयारी चल रही है, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए, जल जीवन हरियाली लिखा हुआ है यहाँ पर, मानव श्रृंखला लिखा हुआ है। कितना खूबसूरत नज़ारा है, इतनी खूबसूरत नज़ारा आपने शायद ही कहीं देखी होगी। गांधी मैदान दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है, और आप देखिए गांधी मैदान में कई पोस्टर लगाए गए हैं। नशा मुक्त बिहार, यानी बिहार में पूर्ण नशाबंदी है, उसको लेकर नशा मुक्त बिहार का यह पोस्टर लगा है। फिर जल जीवन हरियाली का पोस्टर लगा हुआ है, और दहेज उन्मूलन को लेकर पोस्टर लगा हुआ है, बाल विवाह मुक्त बिहार बनाने का पोस्टर लगा हुआ है। तो चारों तरफ पोस्टर से, बैनर से गांधी मैदान पट गया है। गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं जिस पर इस अभियान से जुड़े हुए संदेश हैं। तो गांधी मैदान सज धज कर तैयार है, बच्चों का पहुंचना यहां पर जारी है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब यहां पर पहुंच रहे हैं, और मानव कतार 11:30 बजे से 12:30 बजे तक बनेगा, लेकिन अभी से ही गांधी मैदान में बच्चों ने मानव कतार बना लिया है। तो मानव कतार जब शुरू होगा, यानी ठीक 11:30 बजे, तो तस्वीर बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि हजारों हजार की तादाद में यहाँ पर गांधी मैदान में लोग होंगे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। तो ये तस्वीर देख लीजिए, मैं गांधी मैदान की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मानव श्रृंखला के आयोजन की तैयारी की गई है, और दावा किया गया है कि ये भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला होगा। नीतीश कुमार ने पहले भी नशाबंदी को लेकर मानव श्रृंखला का आयोजन किया था, और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। अब अपने ही पुराने रिकॉर्ड को नीतीश कुमार तोड़ने की तैयारी में है, और इस बार जल जीवन हरियाली यानी पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता अभियान के तहत मानव श्रृंखला का उन्होंने आयोजन करवाया है, और बेहद खूबसूरत नज़ारा है पटना के गांधी मैदान का। तो मानव श्रृंखला का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया है, दावा किया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला होगी। तो लोगों में उत्साह है, मौसम थोड़ा खराब है आज, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं है। देखिए लोग कैसे, किस तरह से उत्साह से यहाँ पर खड़े हैं। मानव श्रृंखला की तस्वीर कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्यों आई हैं? हम यहाँ बाल विवाह को लेकर के आए हैं। बाल विवाह कितना जरूरी है रोकना? बहुत जरूरी है। तो बाल विवाह रोकना बहुत जरूरी है, महिलाएं कह रही हैं और यहाँ पर आई भी हैं। आप देखिए तस्वीर, यहाँ पर बच्चे सुबह से ही लाइन लगाकर मानव कतार बनाकर खड़े हो गए हैं। अभी से 2 घंटे तक ये खड़े रहेंगे इसी तरह से। तो बच्चों में बहुत उत्साह है, आसमान साफ नहीं है, तेज हवा चल रही है, बादल है आसमान में, सुबह में बारिश भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जोश खरोश में कोई कमी नहीं दिख रही है। सुबह 10 बजे से ही बच्चे मानव कतार बनाकर खड़े हैं, और ये कतार इस तरह से बनाया गया है कि आपको लगेगा कि भारत की तस्वीर है, भारत का नक्शा है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है पटना के गांधी मैदान का। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। आपको सबसे पहली तस्वीर भेज रहे हैं। आपको ये तस्वीर पसंद आए तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है।